Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा के शहर कैलगरी में शॉपिंग मॉल में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कनाडा के ऑफिशियल लीडर्स डिबेट कमीशन में मैक्सिम बर्नियर मधु। जस्टिन ट्रूडो का बच्चों के स्कूल का दौरा। ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से कैंपेन प्लेटफॉर्म जारी। तेल तंसीबात पर ईरानी हथियार इस्तेमाल, हुए सऊदी अरब का भी दावा। सऊदी ऑयल रिफाइनरीज हमला, चीन का अमरीका और ईरान को एहतियात से काम लेने का मशवरा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राबता कीजिए शराज बदर 519-807-8771, ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा के शहर कैलगरी में क्रॉस आयरन मॉल में हमला आवर की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर कैलगरी में क्रॉस आयरन मॉल में हमलावर की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराए के मुताबिक दर्जनों पुलिस अहलकारों ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और मॉल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक काकशाई मर्द है। पुलिस का कहना है कि मॉल से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला गया, जबकि हर स्टोर के सर्वेलेंस कैमरों को देखा जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने मॉल में फायरिंग की आवाज़ सुनी, ताहम इंटरकॉम पर इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया, जबकि पुलिस ने दुकानदारों को लोगों को बाहर निकालने को कहा, जबकि फायरिंग के बाद लोगों को मॉल से बाहर निकालने की जानिब भागते हुए भी देखा गया। पुलिस की जानिब से लोगों को मॉल से दूर रहने की हिदायत की गई है। पुलिस का कहना है कि एक बड़ा मॉल है, जबकि उसमें हमारी टीमें तलाशी ले रही हैं ताकि लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कनाडा के ऑफिशियल लीडर्स डिबेट कमीशन की जानिब से पीपल्स पार्टी कनाडा के रहनुमा मैक्सिम बर्नियर को अंग्रेजी और फ्रेंच जबान में मुबासे में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है, जो कि आइंदा माह नशर किया जाएगा। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में।
कनाडा के ऑफिशियल लीडर्स डिबेट कमीशन की जानिब से पीपल्स पार्टी कनाडा के रहनुमा मैक्सिम बर्नियर को अंग्रेजी और फ्रेंच जबान में मुबासे में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है जो कि आइंदा माह नशर किया जाएगा। साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन जो कि कमीशन की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने बर्नियर को खत में लिखा है कि आपने हमें मुतमईन किया कि आप 90% हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने का इरादा रखते हैं और हालिया सियासी सियाको सबाक रायामा रायशुमारी और पिछले आम इंतखाबात के नतीजे की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी के एक से ज्यादा उम्मीदवार के पास मुंतखब होने का जायज हक है। मुबासों में शिरकत के लिए मदऊ किए गए रहनुमाओं में इब्तदाई तौर पर बर्नियर को शामिल नहीं किया गया था, तहम उनसे मजीद मालूमात फराहम करने को कहा गया क्योंकि कमीशन ने उनके मामले पर गौर करना था। बर्नियर ने सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक में एक मीटिंग के दौरान अपने हामियों को बताया कि कैनेडियन 21 अक्टूबर को वोट डालने से पहले तमाम ऑप्शंस को देख पाएंगे, ये अहम है। उनका कहना था कि मैं मिस्टर जॉनस्टन से ये जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सही फैसला लिया। लिबरल्स रानुमा जस्टिन ट्रूडो ने ब्लैस सैक्रामेंटो एलिमेंट्री स्कूल में लीजा एलेक्सन के ग्रेड 1-2 की क्लास का दौरा किया। असीब जानते हैं इस रिपोर्ट में। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने ब्लैस सैक्रामेंटो एलिमेंट्री स्कूल में लीजा एलेक्सन के ग्रेड्स 1-2 की क्लास का दौरा किया। उन्होंने नन्हे तलबा के सामने किताब वाई आई लव कनाडा पढ़ी और उसमें अपनी पसंदीदा चीजों से मुतालिक बच्चों को बताया और बताया कि उन्हें इस मुल्क की कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मिचेल कैनेडी का कहना है कि उन्हें एक दिन पहले ही मालूम हुआ था कि ट्रूडो उनके स्कूल का दौरा करने आ रहे हैं। हमारे कुछ तलबा इस हवाले से मेरी तरह बहुत पुरजोश थे। स्कूल जाने पहले ट्रूडो का कहना था कि स्कूल के हर नए साल का आगाज एक ताज़ा आगाज होता है, आपको चाहिए कि इस मौके पर कुछ नया करें, कोई स्पोर्ट्स टीम या कोई क्लब ज्वाइन करें। उनका कहना था कि तालिबिल्म अपने असाज़ा से अच्छा रवैया इख्तियार करें, मैं भी एक वक्त में उस्ताद था। उस्ताद आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आपके अच्छे मामून होते हैं। ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से एक कैंपेन प्लेटफॉर्म जारी किया गया है जिसमें कनाडा ग्रीन इकॉनमी के जरिए माहौलियाती तब्दीली से निमटने का वादा भी किया गया है जबकि कैनेडियंस को गुर्बत से बाहर भी निकालने और ट्यूशन फीसों को खत्म करने और कौमी दवाखाना लाने का वादा किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से एक कैंपेन प्लेटफॉर्म जारी किया गया है जिसमें कनाडा ग्रीन इकॉनमी के जरिए माहौलियाती तब्दीली से निमटने का वादा भी किया गया है जबकि ट्यूशन फीसों को खत्म करने और कौमी दवाखाना कैनेडियंस को गुर्बत से बाहर भी निकालने और लाने का वादा किया गया है। ग्रीन प्लान का मरकज माहौलियाती आलूदगी से निमटना है। 20 नुकाती प्लान जिसे मिशन पॉसिबल का नाम दिया गया है जो की मुमकिन तौर पर पहले से ही जारी किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म में कहा गया है की ग्रीन की हुकूमत एक कानून लाएगी जिसमें 60% अखराज को कम किया जाएगा जो 2030 तक 2005 की सतह पर लाया जाएगा। प्लेटफॉर्म में कनाडा के विजन का भी ऐलान किया गया है जिसमें 2030 तक घर और कारोबार में रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल होगी। सऊदी अरब ने भी अपने तेल की तंसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार देते हुए कहा है कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि तेल तंसीबात पर हमलों में ईरानी हथियार इस्तेमाल किए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने भी अपनी तेल की तंसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार देते हुए कहा है कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि तेल तंसीबात पर हमलों में ईरानी हथियार इस्तेमाल किए गए। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने पीर को रियाज में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई लेकिन हकायक इस दावे के बरक्स हैं क्योंकि हफ्ते की सुबह किए गए ये हमले यमन से नहीं हुए थे। गैर मुल्की खबरसान इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से यही मालूम होता है कि उन हमलों में ईरानी हथियार इस्तेमाल किए गए लेकिन उन्होंने मामले की मजीद तफसीलात फराहम नहीं की और कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने पर मामले को आवाम के सामने लेकर आएंगे। उनका कहना था कि हम अभी तहकीकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमले कहाँ किए गए। दूसरी जानिब ईरान ने एक मरतबा फिर अपने सबका मौकिफ को दोहराते हुए कहा कि उनका सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमलों में कोई किरदार नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने पीर को जारी किए गए बयान में कहा कि हम ईरान पर लगाए गए हमलों के इल्जाम की सख्त मुजम्मत करते हैं और ये इल्जाम नाकाबिले कबूल और बेबुनियाद हैं। कुछ बात करेंगे। चीन ने मुतनब्बे किया है कि सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले से मुतालिक तमाम फरकीन को एहतियात बरतनी चाहिए। जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने मुतनब्बे किया है कि सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले से मुतालिक तमाम फरकीन को एहतियात बरतनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चीन वजारत खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। चीन के मुताबिक अमरीका और ईरान को सूरत हाल से निमटने के लिए एहतियात बरतनी होगी जो आम तहकीकात के बगैर किसी भी कार्रवाई के खिलाफ है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक कशीदगी में इजाफे के किसी भी इकदाम की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ी वुस्ता में अमन इस्तेकाम के लिए अमरीका और ईरान को एहतियात से काम लेना पड़ेगा। चीन का कहना है कि तहकीकात के बगैर रिफाइनरी हमले का इल्जाम किसी पर लगाना गैर जिम्मेदारी है।
इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।